आज पूरा रथ खींचेंगे, 3-4 बजे से स्टार्ट होगा। रथ यात्रा जो था पूरी में वो कल हो गया था, लेकिन आज इधर है भाई। ये स्लीप हो रहा है, ये बारिश हो रहा है ना भाई, बारिश भी हो रहा है देखो। इस मैच में सेमीफाइनल्स में इस मैच के लिए मिनिमम एक्साइटेड हूं मैं, 20 ओवर का मैच होना जरूरी है। गाइस देखो ये आइसक्रीम है, गाइस देखो फायर का भी गाड़ी है, रथ के सामने हम आ गए। और आप कहाँ से हो? सब्सक्राइब कर देना इसको। हाँ पूरा ठीक गाइस, सब्सक्राइबर मिलना चाहिए। जी जी आप कहाँ से हो? हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखो ये फायर का गाड़ी भी जा रहा है, मतलब आज रथ जब खींचेंगे तब पानी चलाने के लिए इसको यूज करेंगे, क्योंकि गर्मी हो रहा है ना बहुत ज्यादा। गाइस ये ब्लॉग मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ नीलगिर जगन्नाथ मंदिर के सामने, जो रथ है खड़ा है। और ये देखो आज पूरा रथ खींचेंगे, 3-4 बजे से स्टार्ट होगा। पुरी में कल रथ खींचे थे, रथ यात्रा जो था पुरी में वो कल हो गया था, लेकिन आज इधर है पूरा रथ है। भगवान जी अंदर आ गए रथ के अंदर, कल दिखाया था ना मैंने आपको। गाइस ये मास्क लेके मैं आया, इतना गर्मी हो रहा है कि इसको देना पड़ेगा यार। गाइस सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है यार, मैं अगर आपको बताऊं, मतलब इतना धूप हो रहा है। ऊपर से ये एरिया थोड़ा है ना, ये रोड थोड़ा धूल जैसा है, तो धूल भी बहुत ज्यादा उड़ रहा है। लेकिन पीछे का सीनरी देखो यार, आपको मजा आ जाएगा। ये पहाड़ के साइड में मेरा घर है एक्चुअली, आगे में घर है मेरा, ये देखो व्हाइट कलर का अगर दिख रहा होगा आपको। विलेज एरिया है, मस्त एरिया रहता है, ग्रीनरी चारों तरफ रहता है, यही एक चीज फायदा है, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा भाई। ये देखो ये नजारा आप देखो यार, रथ यात्रा जो है उसको देखने के लिए जाएंगे, तो रथ को खींचने के लिए जाएंगे। गाइस देखो ये मेरा स्कूल था, मतलब यहाँ पे मैंने 6th और 7th क्लास कंप्लीट किया। और ये रोड देखो ऐसा, मेरे गांव में ये स्कूल है, बहुत खेले यार, पीछे में एक प्लेग्राउंड भी है। ये आदर्श स्कूल लिखा गया है उधर, ओड़िया आदर्श विद्यालय जामुड़िया। कहाँ जाएंगे, किधर तो पूजा हो रहा है। गाइज अभी मैं पुपन के पास आया हूँ, वो पूजा कर रहा है, उसका पूजा है एक्चुअली। वो आप जैसे देख सकते हो कि वो पेड़ को पूजा कर रहा है, तो हिंदू कल्चर में से रहता है पेड़ को पूजा करने के लिए। तो गाइज ये देखो कितना बड़ा सा पेड़ है। पुपन हो रहा है कि नहीं भाई? भाई चूड़ी वूड़ी पहना रहा है देखो। ओम सिंदूरी ब्राधने सु नगे दियो नगे टांदे उबु ओम सिंदूरी ब्राधने सु घना सभा तो ब्रह्म प्रद टुल टुल उठ गए होते सारो स्नवाज कष्टा भिन्न पुण्य मानं तुझ हरो। गाइस देखो मुकुट वुकुट पहन के बैठा है। गाइस अभी हवन होगा देखो। गाइस पुपन बहुत टाइम से हवन में बैठा है यार। गाइस देखो ये पुपन के घर में आया हूँ और इसका शादी हो गया आज। शादी नहीं हुआ और पूजा था। हाँ शादी के लिए पूजा आज किया, मैं सोचा कि शादी हो गया वो सिंदूर विंदूर पहनाया। गाइस ये पुपन का घर है एक्चुअली, उनका नया घर, वो तो साइड में मैं दिखाया था शायद एक ब्लॉग में, ये पुराना घर है उनका, वो साइड में नया घर बन रहा है, बहुत बड़ा घर है यार उनका। गाइस अभी प्रसाद खा रहे हैं हम लोग, माँ बुधार चंडी टेम्पल आए हैं, जो कि मेरे ही गांव में है वो टेम्पल, और प्रसाद खा के फिर जल्दी से निकल जाएंगे इधर से। गाइस सामने पुपुन का पूरा फैमिली प्रसाद खा रहे हैं देखो, और ये अभी खा के अभी निकल रहे हैं हम लोग। गाइस देखो रथ यात्रा देखने के लिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, तो पूरा लाइन लगे हैं देखो, रथ दिखाई नहीं दे रहा होगा बहुत दूर में। गाइस रथ खींचना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, तो हमको थोड़ा काम है इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो दुकान भी बैठा है सब, आगे में तो बहुत ज्यादा भीड़ होगा, मैं गया नहीं, आपको बाद में दिखाता हूँ। गाइस बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मैं रथ यात्रा देखने के लिए जा रहा हूँ अभी गाड़ी चला के, अभी पता नहीं रथ यात्रा हो रहा है कि खत्म हो गया है, लेट हो गया थोड़ा, बारिश हो रहा था इसलिए मैंने रुक गया था, अभी जा रहा हूँ। बारिश थोड़ा कम हुआ फिर भी हो रहा है बारिश। गाइस ये देखो इधर मैं गाड़ी रख के अभी जा रहा हूँ, और गाइज यहाँ तक रथ आएगा, ये मासी माँ का टेम्पल है और रथ आगे है देखो। गाइज रथ यात्रा में ना बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन या मतलब सेवा करने वाले सब ग्रुप है, वो सेवा दे रहे हैं पूरा, और आगे भी है और दुकान, और ये जैसे मैं आप देख सकते हो ये खिलौना का दुकान, सब ऐसे दुकान भी पड़ा है, आगे भी है। धीरे धीरे ये लोग आगे आ रहे हैं क्योंकि रथ आ रहा है ना पीछे से। गाइज देखो फायर का भी गाड़ी है इधर, मतलब सेफ्टी के लिए रखा गया है देखो। और ये पूरा रथ है, रथ के सामने हम आ गए, थोड़ा दूर ही चलेगा रथ, फिर मासी माँ के टेंपल के पास पहुंच जाएगा। देखो रथ खींच रहे हैं यार,
वो सामने रथ आ रहा था। हरी बोलो। ए गाइस देखो ये सिप्पू आया है। हेलो सिप्पू, मेरा भाई है, छोटा भाई। बहन लोग भी सब आए हैं लेकिन वो पीछे में है, वो रथ के पीछे है। तीन रथ है ना, इसलिए पीछे में जो रथ चल रहा है उसको खींच रहे हैं। ये जगन्नाथ जी का रथ है, सामने जो आप देख सकते हो थोड़ा ही दूर है, वहाँ पे पहुँचने के लिए मासी माँ का टेम्पल। जय जय। तो मेरा दोस्त मिल गया गाइस, नाम था वो गाइस। अभी थोड़ा ही दूर है रथ पहुंच जाएगा पर मासी माँ के टेम्पल के पास, फिर हम लोग निकल जाएंगे। गाइस मेरा दोस्त भी आ गया है देखने के लिए। देखना हो गया, खींचना। हाँ बहुत भीड़ है यार। गाइस अभी मैं घर आ गया क्योंकि थोड़ा काम आया था। काम खत्म करके फिर जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए फिर मैं जाऊंगा, लेकिन रथ तो मासी माँ के टेम्पल में पहुंच गया होगा तो सिर्फ दर्शन करके आऊंगा। बहुत जल्दी काम आ गया यार, घर में थोड़ा काम था वो भी देखना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं आ गया। तो पास में ही रथ हो रहा है, घर के 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे घर से। मम्मी को मैं छोड़ने के लिए आया था और मम्मी अभी घूमने के लिए जाएगी। गाइस अब देख सकते हो भजन संध्या भी हो रहा है। अभी मैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। देखो भाई ये स्लीप हो रहा है, ये बारिश हो रहा है ना पूरा, देखो ये स्लीप हो रहा है। जय जगन्नाथ। भाई बारिश भी हो रहा है देखो। गाइस बहुत जोर से बारिश होने लगा यार, पूरा बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना में भीग जाएंगे। गाइस अभी थोड़ा बारिश कम हो गया है। भाई ये पूरा स्लीप हो रहा है जो नीचे है ना, भयानक स्लीप हो रहा है। गाइस चलिए मैं आपको आज मेला घुमाता हूँ पूरा। देखो पूरा खाने का सामान है और पूरा मेला लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुकान है, आपको क्या बताऊँ, हर चीज़ का दुकान है। ये देखो जगन्नाथ फोटो, इधर टाटू चल रहा है भाई, पूरा दुकान पड़ा है। उधर झूलने के लिए भी है देखो वहाँ पे। गाइस एक चीज़ बताऊँ, मैं कभी मेरे ज़िंदगी में ये झूला में नहीं बैठा, मुझे बहुत डर लगता है इसको। ये कितना बड़ा किया गया है यार, बहुत बड़ा है, कभी नहीं झूला। मैं सोच रहा हूँ कल झूलूंगा इसमें। पूरा फूल का दुकान, उधर देखो हर चीज का ये मेला में आपको मिल जाए। गाइस मेला का फूड थोड़ा ट्राई करते हैं क्योंकि ये डेली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है, सिर्फ मेले में ही ये सब चीज मिलता है खाने के लिए। गाइस ये मिर्ची का भाजा और ये गोभी मंचूरियन हम अभी ले रहे हैं खाने के लिए, तो देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है। गाइस देखो ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम शॉप है और ऐसे टाइप का आइसक्रीम मिलता है। ये देखो ऐसे टाइप का आइसक्रीम है, अच्छा टेस्ट है। गाइस देखो ये हम लोग मेले में ना, मेरे मम्मी भी है, हेलो मम्मी, और मेरा सिस्टर भी है। ये देखो पूरा सामान खरीद के लेके जा रहे हैं पूरा। और ये चश्मा दुकान में हम लोग रुके हैं, यहाँ पे देखो। हेलो, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। क्या है आपका यूट्यूब चैनल नाम? सागर गिरी। ये देखो ये हम लोग का, ये अच्छा लगा, ये वाला दोनों लिए। भैया हमारा सब्सक्राइबर बनेंगे अभी, प्लीज सब्सक्राइब। और ये दोनों हम अच्छा लग रहा है तो सोच रहे हैं कि मेरा मम्मी बोले कि यही दोनों ले जा, ये ना ये वाला भी एक देख रहे हैं। एडिटिंग किसे करो, आईफोन है ना, लैपटॉप रे। ये देखो घड़ी भी आपको मिलेगा, हर चीज रखे हैं भैया, कैप भी है। पिंटू देसी ब्लॉगर, ये देखो भैया सब्सक्राइब कर दूं, ये देखो सब्सक्राइब कर दिया भैया का, थैंक यू। और आप कहाँ से हो? सब्सक्राइब कर देना इसको। हाँ पूरा ठीक गाइस, सब्सक्राइबर मिलना चाहिए। जी जी, आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ से? बेल्दा। मध्यम ग्राम कितना दूर है? नहीं जानते हो? ओके। और मैं कोलकाता जा रहा हूँ 4-5 दिन के बाद घूमने, नाइस प्लेस है ना, अच्छा लग रहा है। गाइज ये दोनों हम अभी लेके जा रहे हैं, ये फाइनल किए, ये दोनों लेके जाएंगे। गाइज डिनर में पनीर बन रहा है, थोड़ा मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ पनीर बनाने में। गाइज खीर भी बना है देखो, मेथी को ऊपर जो पत्र उड़ा सब रख लुनि कि चाह
पानी तो क्यों नहीं एमती घंटे तो एमती एमती घूर चुना ना एमती घूर ही मुझे सीरियसली ना खीरी भी हो गया देखो ये पूरी भी आ गया। मेरे मम्मी बोली है कि ये पायस है, लेकिन पायस और खीर में क्या डिफरेंस रहता है? ये देसी गाय के मिल्क से बना है, ये वाला देसी गाय रहता है ना उसका मिल्क से वो हम लोग चावल देके वो खीर बना है। साइड तो ना ठीक है गाय, जल्दी से खा लेता हूँ यार।